इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, कहीं लुढ़क पुढ़क मत जाना भाई। देखिए ये प्रेपरेशन डीबीटी जेआरएफ के लिए चल रही है एग्जाम, जो कि बस आने ही वाला है। और इस एग्जाम को समझने के लिए हम कुछ पुराने पेपर की भी बातें कर रहे हैं, 2017 के पेपर की। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक डायनासोर की कहानी सुनाता हूँ। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स भरमार थे, पूरी धरती पर इन्हीं का राज था। शायद इन्हें भी लगता होगा कि बस यही हैं जो धरती पर राज करेंगे। बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे, बड़ा डायनासोर छोटे को खा रहा था। जैसे आज हम लोग देखते हैं इंसानों की लड़ाई, कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन तब भी था, लेकिन तब केवल डायनासोर एंड डायनासोर एंड डायनासोर थे। लेकिन फिर एक दिन एक उल्कापिंड आया और डिस्ट्रक्शन लेके आया, सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और बचा भाई चूहे का चाचा या ताऊ या दादा, जो कहना चाहो। ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे थे और जब धरती पर आग लगी तो भाई ये अपने बिलों में घुस गए। जब ये बाहर निकले तो मैदान खाली था इन्हीं के लिए, और इन्हीं से बाद में इवॉल्व होते होते अल्टीमेटली हम तक की कहानी आ गई। ना जाने लाइफ में कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि डिस्ट्रक्शन आया और डिस्ट्रक्शन के बाद इवोल्यूशन ने अपने पैर पसारे। ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो जाए। जब भी कभी लगता है कि गेम ओवर हो गया, तब कभी ना कभी एक और नया रास्ता निकल आता है, एक उम्मीद की किरण, वो उम्मीद की किरण जो हमें नए रास्ते दिखाती है। बचपन से लेके आज तक न जाने कितनी बार हमारे दिल टूटे, और देखो हेयर वी आर। चाहे बात चॉकलेट की रही हो, चाहे बात रिलेशन की रही हो, हर एक गम में हमें ऐसा लगा था कि शायद हम उस गम से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर निकले भी और खड़े भी हुए और फिर अगले गम के लिए तैयार भी हुए। यही तो प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गलतियां तो भाई हमारी रग रग में भरी पड़ी हैं। पढ़ाई के मामले में हम लोग काफी सारी गलतियां करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज एक नया दिन है। हमने अगर कल गलतियां भी की थी तो आज सही कर लेते हैं। आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कुछ और बातों को समझ लेते हैं, ताकि कल आने वाले टाइम में हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। क्वेश्चन नंबर 92। पायरो सीक्वेंसिंग एक डीएनए की सीक्वेंसिंग का मेथड है। सेंगर के मेथड को तो सब जानते हैं, डाइडियोक्सी वाला, जिसे हम लोग चैन टर्मिनेशन भी कहते थे। लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियां जो डीएनए की सीक्वेंसिंग करती है, उसमें पायरो सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल होता है। लॉजिक सिंपल सा है, जब भी कभी किसी डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स के रूप में आते हैं और जुड़ के बन जाते हैं मोनोफॉस्फेट्स। और इस दौरान जो उनका दो फॉस्फेट का ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, पीपीआई, ये बाहर निकल आता है। इसी का इस्तेमाल करके सल्फोलेज और लूसीफरेज नाम के एंजाइम्स एक सिग्नल क्रिएट करते हैं, एक विजिबल सिग्नल। सेंसर्स उसको पकड़ लेते हैं और कंप्यूटर को बता देते हैं कि भाई कौन से बेस जुड़ने पर यह सिग्नल मिला है, और उसी के बेस पर डाटा जनरेट होता है। बहुत सारी नई टेक्निक्स जो आज की तारीख में हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें पायरो सीक्वेंसिंग काफी खास है। और ऐसा भी नहीं कि एकमात्र ये सीक्वेंस है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, और भी बहुत तरीके हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। इस मेथड में हम लोग डिटेक्ट करते हैं पायरोफॉस्फेट के रिलीज को। क्वेश्चन नंबर 93। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भी हम एनिमल पॉपुलेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एनालाइज करते हैं तो करते क्यों हैं सर? देखिए, जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल, मतलब फादर एंड मदर, वो दोनों जीनोम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो उनके न्यूक्लियर जीनोम है उसमें तो रिकम्बिनेशन होता है, तो जो एक्चुअल डीएनए था थोड़ा सा बदल गया है। फादर के पास जो उसके फादर के फादर एंड मदर से डीएनए आया था, उसमें मिक्सचर हो गया है रिकम्बिनेशन की वजह से। लेकिन फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस का डीएनए तो दोनों पेरेंट से आता है, साइटोप्लाज्मिक जीनोम केवल मदर से आता है, और मदर से साइटोप्लाज्म में मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रिकम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए डीएनए की प्योरिटी बनी रहती है। इसलिए जो डीएनए माँ का था, एग्जैक्टली सेम वही डीएनए मुझे बच्चे के अंदर मिलता है, और तब स्पेशीज को आपस में रिलेट करना काफी आसान बन जाता है। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 94। लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सब्लिमेशन की कहानी है, जहां पे हम लोग पानी को फ्रीज करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे और फिर वैक्यूम क्रिएट करके सीधा वेपर बना देते हैं। देखिए, वैसे तो आइस को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो आइस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो वेपर बनेगी। लेकिन सब्लिमेशन में हम सीधा आइस को हवा में कन्वर्ट कर देते हैं वेपर में, और क्योंकि मॉइस्चर को हमने रिमूव कर दिया सब्लिमेशन से, तो जो क्रिस्टल बनने की कहानी थी और जो लिक्विड वाटर बाद में कन्वर्जन होता है, उससे जो सेल के अंदर डैमेज होते हैं वो डैमेज देखने को नहीं मिलते, तो सेल्स बड़े आराम से प्रिजर्व हो जाती हैं। लायोफिलाइज्ड सेल्स लंबे टाइम तक बिना किसी फ्रिज व्रिज के आराम से सर्वाइव कर सकती हैं। ये ड्राई पाउडर है, और इस पाउडर को अगर मैं अपनी बेंच पे भी रख दूं तो कई साल तक बिना डिग्रेड हुए हमारा जाएगा। इसलिए बैक्टीरिया को या ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसी सेल्स जो इस प्रोसेस को झेल सकती हों, उन ऑर्गेनिज्म को या उन सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, प्रोटीन्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 96। अब बात कर रहे हैं डोमेन और मोटिफ की। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दो टर्म आती है, डोमेन एंड मोटिफ। तो देखो, आंसर तो सीधा यहां पर है,
डोमेन को अगर मैं काट के अलग भी कर लूं प्रोटीन से तो वो अपने स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं खोता और वो स्टेबल रहता है। इसीलिए बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके हम लोग डोमेन काट के अलग कर लेते हैं और उन डोमेन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट है डोमेन। अगर कोई प्रोटीन को रिएक्शन कैटलाइज करता है तो जिस डोमेन के अंदर वो कैटलिटिक एक्टिविटी है वो हमें प्रोटीन से अलग करने पर भी मेंटेन मिल जाती है। जबकि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है मोटिव्स। लेकिन मोटिव के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्रोटीन से अलग कर लूं तो ये मोटिव स्टेबल नहीं रह पाते। इसलिए आंसर है ए। अगर डोमेन और मोटिव की बात को और अच्छा समझना है तो समझो अपने हाथ को। अगर तुम्हारा पूरा शरीर एक प्रोटीन है तो तुम्हारे शरीर के जो फंक्शनल पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ पैर जो काम कर सकते हैं कंप्लीट, ये तुम्हारे डोमेन है। और ये भी फर्दर सब पार्ट्स के बने हुए हैं जैसे कि उंगलियां, ये तुम्हारे स्ट्रक्चरल मोटिव है। अब ये थोड़ा सा एक डाउटफुल है कि क्या मोटिव फंक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ मोटिव ऐसे होते हैं जो अपना काम कर सकते हैं। अब अगर मेरा हाथ डोमेन है और उंगली मेरा मोटिव है तो नो डाउट तुम्हें ये उंगली तो याद होगी। अगर नहीं याद आ रही है तो आगे देखो। बात थी प्यार का पंचनामा मूवी की, जहां समझाया गया था कि जब भी कभी किसी वुमन के साथ में बातचीत चलती है तो वो बातचीत नहीं, वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तुम कितना भी सुना लो, कितने भी सेटिस्फाई कर लो, अपना पॉइंट कितना भी वैलिड बना लो, बट फिर लास्ट में एक बात उठ जाती है कि गलती से तुम्हारी उंगली उसकी तरफ उठ गई है और सवाल उठता है कि तुमने मेरी तरफ उंगली उठा कैसे दी। अब यहां एक जरा सी उंगली जो बेचारी स्ट्रक्चरल पार्ट थी तुम्हारी बॉडी का, जिसे कायदे में कोई फंक्शन करना नहीं था, अचानक उस उंगली का भी फंक्शन निकल आया, एक मोटिव का फंक्शन। हालांकि डोमेन तो हाथ था। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसे आप सॉल्ट को रिमूव नहीं कर सकते प्रोटीन से। अब सॉल्ट होते क्या यार, सॉल्ट है जैसे कि NaCl। अब याद करो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें ये अटक के रह जाएंगे। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को अलग करना चाहते हो तो साथ में उसके सोडियम भी आएगा, और अगर तुम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को अलग करना चाहते हो तो क्लोरीन आएगा। कर लो अलग कैसे करोगे, बाकी मेथड्स के द्वारा चार्ज अटकते नहीं है, इसलिए आपके प्रोटीन्स को साइज के बेस पर आप अलग कर सकते हो। और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि सॉल्ट साइंस, ये बाहर निकल सकते हैं। बट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में दिक्कत है क्योंकि चार्ज के बेस पर सेपरेशन है, तो जिसका भी चार्ज है चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो सॉल्ट हो, वो एक साथ आएंगे। अब जब DBG के एग्जाम में टाइम बहुत सारा नहीं है तो इस कम टाइम में भी हम DBG के लिए तैयारी कर सकते हैं आईफ्लाई के साथ DBT सुपर सेफ कोर्स के थ्रू। ये कोर्स ऑनलाइन है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 26 मार्च 2019 से लेकर के 14 अप्रैल 2019 तक है। इस कोर्स के अंदर आपके पास 30 से 40 लेक्चर्स आएंगे। ये लेक्चर बड़े कंसाइज है, डिटेल नहीं है। इसमें केवल इन्फॉर्मेशन उतनी है जो एग्जाम में आती है, और इन्फॉर्मेशन बड़े सही तरीके से स्ट्राइक भी करती है। इन 30-40 लेक्चर्स की वजह से आपके स्कोरिंग की परसेंटेज काफी बढ़ जाने वाली है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी चेक करना होगा कि आप क्वेश्चनों में परफॉर्म कैसे करते हो। तो हम लोग DBT एग्जाम बेस्ड टेस्ट भी करेंगे। हम समझेंगे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस, कि उनके क्वेश्चन के आंसर क्या थे, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपने ऑप्शन पिक करने में क्या गलती की। क्या ये गलती वो थी जो सभी लोग करते हैं, या ये आप ही के साथ में कोई दिक्कत थी। और फिर इस एनालिसिस के बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या और अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं, किस कम टाइम में भी अपने स्कोर को बढ़ा सके। आईफ्लाई के ये कोर्सेज बड़े शॉर्ट है, फास्ट है, एक्यूरेट है, और इसीलिए तो एफिशिएंट है। आईफ्लाई के साथ आप और एग्जाम जैसे कि गेट, नेट, ARS, ICMR, सेलेक्ट और MSc एंट्रेंस के एग्जाम, फिर चाहे JNU के लिए बात करें या IIT या TIFR के लिए, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। iFly एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है। तैयारी आपके घर से होती है। हाई क्वालिटी लेक्चर आप अपने घर बैठे दे सकते हो ऑनलाइन। कोर्स ड्यूरेशन में आप जितनी बार चाहो लेक्चर को रिपीट कर सकते हो। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारा, आखिरकार फ्यूचर भी तो है तुम्हारा। iFly की इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर लो, और फिलहाल तो ढंग से पढ़ लो। DBT बैट का एग्जाम बस आ ही चुका है। चलिए फिर मजे कीजिए। जय हिंद।